ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजं भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत समय पहले हमने एक एपिसोड बनाया था कि लोबान धूप घर पर जलाने के फायदे। उस एपिसोड में हमारे बहुत सारे भक्तों के कुछ प्रश्न आए थे जो वो जानना चाहते थे। हमने सोचा सही समय पर थोड़ा समय निकालकर आपके लिए उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज मैं उस एपिसोड में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर देने वाला हूं। उन सब में एक सबसे कॉमन जो प्रश्न था वो यह था कि बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि गुरु जी, क्या लोबान धूप घर पर जलाना सेफ होता है, सुरक्षित होता है, इसका किसी तरह का कोई बुरा असर तो नहीं होता। ये सभी भक्तों का एक कॉमन प्रश्न था और आपका ये प्रश्न 100% वाजिब है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लोबान धूप घर पर जलाने के क्या रिजल्ट होते हैं। आज मैं आपको इसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों बताऊंगा और मुझे विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके महामाई भगवती शेरों वाली माता को प्रणाम करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए बगला मुखी माता की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, लोबान एक ऐसी सामग्री है जो तंत्र मंत्र में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। जितने भी टोटके होते हैं, जितने भी तंत्र मंत्र के प्रयोग होते हैं, उनमें लोबान का प्रयोग जरूर किया जाता है। आज मैं आपको लोबान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि लोबान क्या है, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, कहां पर इसको भूलकर भी नहीं जलाना चाहिए। और ध्यान से एपिसोड आपने देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल हो सके। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर कि क्या घर पर लोबान की धूप जलाना सेफ होता है, सुरक्षित होता है या नहीं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें अपने घर पर आप लोबान जला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो लोबान घर पर जलाने से पहले पंडित जी की, अच्छे ज्योतिषीय की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना किसी की सलाह लिए अपने घर पर लोबान जलाते हैं तो इसके कई तरह के बुरे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लोबान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है और लोबान धूप को जलाने से एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है जो चीजों को आकर्षित करने में बहुत शक्ति रखती है। अब मैं आपको बताता हूं कि लोहबान का जो सबसे बड़ा या यूज कहां पर होता है,
कई भक्तों ने भी इसका जवाब खुद ही दे दिया था, मैं आपकी नॉलेज को भी अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था कि गुरुजी हमने ऐसा सुना है कि लोबान की धूप को जलाने से भूत प्रेत अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। लोबान धूप को जलाने से जो पारलौकिक शक्तियां होती हैं, ये मैं बोल सकता हूं कि लोबान धूप को जलाने से जो परालौकिक शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित होने लगती हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगती हैं। लोबान धूप अगर आप अपने घर पर बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के जला रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब पहले ये बात कर लेते हैं कि घर पर लोबान की धूप आप कब जला सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर पर कोई पूजा पाठ करा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, तो हवन में जो सामग्री प्रयोग की जाती है उस सामग्री में जो भी डलते हैं, काले तिल डलते हैं, सफेद तिल डलते हैं, गूगल डलती है, उसमें आप थोड़ा लोबान मिला सकते हैं जो वातावरण की शुद्धि के लिए। उसमें किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। घर में लोबान आप तब जला सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई टोना टोटका किसी ने करवा रखा है, या परलौकिक जो बुरी शक्तियां हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोबान धूप जला सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लोबान धूप की जगह अगर आप ऑप्शन पूछते हैं, अगर आप पूछते हैं कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, तो लोबान धूप का जो विकल्प है वो गूगल है। इसके स्थान पर आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल धूप जलाने से कोई भी बुरा इंपैक्ट नहीं होता, किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। गूगल को हर प्रकार से शुद्ध और पवित्र माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोबान धूप आप अपने घर पर नहीं जला सकते। लोबान धूप आप जला सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि लगातार इसको कभी भी नहीं जलाना है। महीने में एक या दो बार लोबान धूप को आप अपने घर पर जला सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप इसे अपने घर पर जलाते हैं तो बुरी चीजों का सामना फेस आपको करनी पड़ सकती है। लोबान धूप जलाने से जो है, जो ग्रह होते हैं वो अपने प्रभाव में आने लगते हैं, और लोबान धूप अगर आप किसी तंत्र मंत्र की काट के लिए, किसी टोटके की, किसी टूने की काट के लिए जला रहे हैं, तब आप लोबान धूप को अच्छी तरह से जला सकते हैं। उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब एक हमारे भक्त का प्रश्न आया था, वो मैंने नोट किया था। उन्होंने पूछा था कि गुरुजी क्या लोबान धूप को हम रात को भी जला सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोबान धूप जो है वो नकारात्मकता को मतलब दूर करती है, लेकिन तंत्र मंत्र में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, तो इवनिंग के टाइम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा यानी कि रात्रि के 8 बजे के बाद इसका जो प्रयोग है वो आप ना करें, बेहतर होता है। शाम के टाइम में, जो शाम के 7 बजे के आसपास का समय होता है, इस समय के आसपास इस धूप को आप जला सकते हैं। और कई भक्तों ने पूछा था कैसे जलाना है। जलाना सेम है जैसे गूगल की धूप जलाते हैं। किसी सुलगते हुए गोबर के कंडे पर रखकर आप इस धूप को जला सकते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आया है, और पूर्व में जो आपके प्रश्न थे मैं उन प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से दे पाया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय माता की।